नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप हमारे से जुड़े हुए हैं। आज हम एक नए टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जो भौतिक विज्ञान के चैप्टर 3 से संबंधित है, और हमारे इस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान। ये टॉपिक हमारा सभी जो हमारे बोर्ड हैं RBSE या CBSE है, ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम जो हमने इसमें मेंशन किए हुए, इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए आप बहुत इसको अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें, ताकि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। देखिए, सबसे पहले हमें विद्युत द्विध्रुव के अध्ययन की आवश्यकता है। हालांकि हमने एक पहले वीडियो बनाया था और उस हम एक टॉपिक लेके चले थे कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। मैंने वहाँ भी इसको बड़े अच्छे से और गहराई से समझाया था, फिर भी एक बार इसका दोबारा हम प्रयास करता हूँ, मैं हल्का सा इसको बता देता हूँ। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसी संरचना है जिसमें समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के, परिमाण समान हो प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, दो आवेश जब थोड़ी सी दूरी पे, अल्प दूरी पर रखे जाएं तो ऐसे आवेशों के समूह या ऐसे आवेशों के युग्म को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आज हम इसी विद्युत द्विध्रुव, इसी संरचना के कारण किसी बिंदु P पर कोई एक बिंदु लेंगे, उस बिंदु पर हम विद्युत विभव का मान ज्ञात करना चाहेंगे। तो आप इस चित्र से इसको समझ सकते हैं कि मैंने एक विद्युत द्विध्रुव लिया है। ये विद्युत द्विध्रुव ए और बी बिंदु पे, एक ए पे हमने प्लस का माइनस का क्यू आवेश लिया, तो बी बिंदु पर प्लस का क्यू आवेश लिया है। ये इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है और इसकी दूरी कितनी है, 2a। ये ए है, ये ए है, इसका केंद्र बिंदु ओ से दूरी है ये। तो टोटल देखोगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2a दूरी है। तो हम इसके बारे में आज हम पढ़ना चाहेंगे। इस चित्र से समझ लेना पहले, फिर उसके बाद टॉपिक पढ़ना हमारा आसान होगा। हम क्या चाहते हैं कि इसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर और थीटा कोण पर एक बिंदु P रखा हुआ है। इस P बिंदु पर हम इस द्विध्रुव के कारण विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं। उसके लिए हम इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक की बात करें, तो इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको समझाया था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, और हम जानते हैं कि V बराबर है के क्यू अपॉन दूरी। ये हमारा सूत्र हमने बनाया था कि किसी बिंदु पर किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का जो मान होता है, V बराबर के क्यू अपॉन आर होता है। इसी बेसिक फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए, आप यहाँ पर आपके बिंदु आवेश की बात करोगे तो दो आवेश हैं, ये भी बिंदु आवेश है, ये भी बिंदु आवेश है। P बिंदु पर इस आवेश के कारण भी विभव ज्ञात करना है V1, और इसके कारण भी ज्ञात करना V2। और विभव क्या है, अदिश राशि है, और अदिश राशि है तो परिणामी मान कैसे निकलेगा, सभी प्रकार के विभवों का बीजगणितीय योग, और बीजगणितीय योग में चिन्ह साथ में लिए जाते हैं। अगर धन आवेशित है तो धन पॉजिटिव लेंगे, ऋण आवेशित है तो ऋण आवेश लेंगे। अगर हमारा विभव ऋणात्मक है तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, हमारा विभव धनात्मक है तो धनात्मक चिन्ह लेंगे। आइए देखते हैं हम इसको। हम शुरुआत करते हैं पहले इस माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव का मान। इसकी दूरी कितनी हमने कंसीडर की है, R1। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, K, आवेश कितना है माइनस का क्यू, और दूरी कितनी है, बटे हुए R1। ये हमारा विभव हो गया। माइनस क्यू आवेश के कारण है पी बिंदु पर विभव का मान V1 बराबर क्या हो गया, के माइनस क्यू अपॉन R1। इसी प्रकार हम बी बिंदु पर जो आवेश रखा है इसके कारण पी बिंदु पर विभव निकालेंगे, जिसकी दूरी कितनी है, R2। तो उसका नाम V2 रख दिया, V2 बराबर क्या हो गया, के प्लस क्यू अपॉन R2। ये हमारे प्लस क्यू यानी बी बिंदु पर रखे धन आवेश के कारण विभव का मान है। अब हमें क्या हमें पता लग गया कि ए के कारण विभव V1 है, बी के कारण V2 है, तो पी बिंदु पर कुल विभव का मान कैसे निकालोगे,
पी बिंदु पर कुल विभव वी बराबर क्या होगी, दोनों के योग के बराबर वी वन प्लस वी टू। दोनों के मान को वी वन का मान क्या आया था, माइनस के क्यू अपॉन आर वन, और उसका मान आया था प्लस के क्यू अपॉन आर टू। दोनों में के क्यू कॉमन आ जाएगा, के क्यू को कॉमन ले लो और इसको हल कर लेते हैं। तो वी बराबर क्या हो गया, के क्यू कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या हो गया, माइनस वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। जब इसका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हल करोगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू ऐसे कैसा, और आर वन आर टू का जब आप सोल्व करना चाहेंगे तो आपको मान का पता लग जाएगा, क्या बन जाएगा, के क्यू ब्रैकेट में लघुत्तम क्या हो गया, आर वन इंटू आर टू, ऊपर क्या हो गया, आर टू माइन प्लस आर टू माइनस का और आर वन प्लस का। तो आप पहले इसको आर वन को लिख लो, बाद में इसको लिख लो। तो परिणामी रूप से हमारा वी का मान हो गया, जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपका मान हो जाएगा आर वन माइनस आर टू बटे वी आर वन आर टू। यहाँ हमारा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या है कि हमें ये विभव आर वन और आर टू के पदों में मिला है, जबकि हमें जो भी दूरी मापेंगे पी बिंदु की वो द्विध्रुव ध्रुव के केंद्र बिंदु से मापी जाती है, और द्विध्रुव ध्रुव का केंद्र बिंदु ओ है, और ओ से तो दूरी कितनी है आर, और कितना कोण है थीटा, आर और थीटा का पता हमें, तो इसलिए हम चाहेंगे कि आर वन और आर टू के मान आर और थीटा के अंदर निकले। ये आप इधर से देख लीजिए, ये हमने यहाँ तक सोल्व किया हुआ है इसको कि V1 का मान निकाला, फिर V2 का निकाला, फिर V परिणामी मान निकाल के ये समीकरण एक पे हम पहुंच गए। यहाँ आते ही हमें पता लगा कि R1 माइनस R2 और R1 इंटू R2 दोनों अज्ञात राशि हैं, और जब दोनों अज्ञात राशि हैं तो इनके मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, A और B बिंदु से OP, जो P और O, O क्या है, कौन सा बिंदु आपको ध्यान हो तो द्विध्रुव का केंद्र बिंदु है, ओ और पी की रेखा है, उसके ऊपर ए और बी से लंब डाले गए हैं जिनको हमने ए एन और बी एम का नाम दिया। देख लेते हैं चित्र से, दोबारा चित्र की तरफ ध्यान देते हैं। ये हमारा चित्र है, हमने ये हमारी ओ पी रेखा है, ये रही हमने एक तो बी बिंदु से लंब डाला है ये 90 डिग्री का, और एक ए बिंदु से लंब डाला है, दोनों 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। ए से लंब डाला उसको तो ए एन नाम कह दिया, और बी से डाला उसको बी एम कहा है। अब देखिए इनको कैसे हल करेंगे। अब आप सब जानते हैं, छोटी कक्षा में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मान लीजिए ये पी बिंदु है, ये एक्स दूरी है, यानी एक्स बिंदु है, एक वाई बिंदु है। अगर वाई बिंदु से एक्स पर अगर लंब डाल दिया जाए एस बिंदु पर, तो पी एस और पी वाई दोनों रेखाएं समान लंबाई की होंगी, ये इतना भाग अलग हो जाएगा। तो वही सिद्धांत हम लेके यहाँ सोल्व करना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ चाहते हैं कि अगर ए से लंब डाल दिया जाए इस भुजा के ऊपर ओ पी के ऊपर, तो ए से पी की दूरी बराबर होनी चाहिए एन से पी की दूरी के बराबर। चित्र देख लेना, एन से पी की दूरी की बात करता हूँ मैं, ये दूरी और ये दूरी, क्योंकि P बिंदु से A की दूरी और P बिंदु से N की दूरी, A से N पे लंब डाल दिया तो समान होंगी, तो ये दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। ये हम कंसेप्ट लेके चले हैं। A से P की दूरी का मान कितना है, ध्यान हो तो R1 बराबर है। N से P को क्या लिख सकते हैं, हम N से O और O से P, दो टुकड़ों में कर लो ये और ये, तो इसको लिख दिया हमने N से O प्लस O से P। तो O से P की दूरी कितनी है, R, हमें ध्यान है इस बात का, तो हम क्या लिख देंगे, R1 बराबर है N O प्लस R, हमें चाहिए N से O की दूरी, क्योंकि ये इतनी सी दूरी है इसका हमें पता नहीं, इस दूरी को हम ज्ञात करना चाहेंगे। अब देख लीजिए इस दूरी को हम ज्ञात करेंगे, ये समकोण त्रिभुज है हमारे पास, ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के कोण के सामने क्या होता है, करण, ये भुजा हमें पता लग गया करण है ए से ओ। ये हमारा कोण थीटा है, थीटा के सामने इधर क्या हो जाएगा, लंब, और ये भुजा बचेगी आधार, ये हमने पहचान ली समकोण त्रिभुज में, ये इतनी चीज़ें हैं हमारे पास। अब हम क्या चाहेंगे कि समकोण त्रिभुज दे रखी हो तो उस समय हमारे लिए बहुत आसान होता किसी भी भुजा को ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करनी है, एन से ओ, पता किसका, हमें ए से ओ का पता है, बराबर है। देखिए एन से ओ क्या है, ये आधार है, ए से ओ क्या है, करण, आधार बटे करण क्या होता है, कोस थीटा, तो
तो हमें यहाँ से सिंपल सा पता लग गया कि n से o बटे हुए a से o बराबर है cos of थीटा। ये देख लो, ये भुजा बटे हुए ये भुजा, इसका मान कितना है a, रख देंगे। तो हम अगले स्टेप में क्या कर देंगे, n o बराबर है a o cos of थीटा, और इसका मान कितना है a, रख दो। तो हमारा क्या बन गया, n से o की दूरी बन गई a cos of थीटा। ऊपर वाले मान में रखोगे तो क्या बन जाएगा, हमें पता लग गया ऊपर क्या था हमारा, आप देखेंगे तो r1 बराबर है n o प्लस r, तो n o का मान कितना निकाल लिया, a cos थीटा प्लस r हो गया, यानी ये कह सकते हैं r प्लस a cos थीटा। तो आप नीचे देख सकते हैं मैंने ऐसे निकाला हुआ r1 का मान, समीकरण तीन को देख लीजिए आप। समीकरण दो निकालना है हमने, समीकरण दो r2 का मान निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आप देख लीजिए हमारा ये चित्र था, यहाँ P बिंदु है, ये B बिंदु है, ये हमारा O बिंदु है, B से हमने एक लंब डाल दिया, यहाँ M बिंदु, ये 90 डिग्री का कोण है, ये थीटा कोण है। इसमें हमें देखिए P बिंदु से जब लंब डाला, ये दूरी P से B और P से हमारी M, ये दोनों बराबर हैं, यानी PB बराबर है PM, ये नियमानुसार हमारी बात सत्य है। P से M का मान कितना है, ये दूरी हमने कितनी ले रखी है R2, इसको हमने R2 कह दिया, बराबर है P से M, हमें किसका पता है, हमें P से लेकर O तक का पता है, और P से O कितनी थी R, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P से O माइनस O से M, यानी यहाँ से यहाँ माप के उसमें से इधर वाला भाग घटा दे तो ये अपने आप बच जाएगा, ये हम तरीका यहाँ लगा दिया। तो P से O कितना है R, R2 बराबर है R माइनस ओ एम, हमें अब ओ एम का मान निकालना है, ओ एम का मान निकाल लेंगे हम और इस समीकरण में मान रख देंगे। देखिए अब ये हमारी समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है M बिंदु पे, तो इसके सामने वाली ये भुजा क्या होगी, कर्ण, ये कोण यहाँ बना हुआ तो ये हो गया आधार, तो ओ एम बटे हुए ओ बी बराबर, यानी ये आधार है ये करना, तो ये भी कोस थीटा, और इसका मान कितना है ये भुजा ए, तो हमारे पास यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ओ एम का मान ए कोस थीटा के बराबर होगा। तो हम मान रख देंगे, मान क्या था आर टू बराबर है आर माइनस ओ एम का मान कितना आ गया ए कोस थीटा, ये हमारा समीकरण दो है। इस तरीके से आप इसको दोनों को हल कर सकते हैं, समीकरण दो निकल गया, समीकरण तीन निकल गया। हमारा उद्देश्य क्या है, R1 माइनस R2 निकालना, हम R1 माइनस R2 निकालेंगे, R1 में से R2 को घटाओ, R1 माइनस R2, R1 का मान रखो कितना R प्लस A cos थीटा माइनस R ब्रैकेट में माइनस A cos थीटा माइनस खोलोगे तो क्या बन जाएगा R प्लस A cos थीटा, इस माइनस को खोलिए, माइनस का आर प्लस का ए कोस थीटा हो जाएगा, आर से आर कट गया, ए कोस थीटा ये, ए कोस थीटा ये कितना हो जाएगा टू ए कोस थीटा, तो हमारा आर वन माइनस आर टू का मान हो गया टू ए कोस ऑफ थीटा, ये भी सोल्व हो गया हमारे पास। ये याद रखना, ये हमारा पोर्शन सोल्व हो चुका है जो मैंने यहाँ लिख दिया ये रहा। अब हमें क्या चाहिए, आर वन इंटू आर टू चाहिए, अब हम R1 into R2 निकालेंगे, R1 into R2, R1 into R2 कैसे निकालोगे, R1 का मान रखो पहले R plus A cos theta, R plus A cos theta into R minus A cos theta गुणा करो, सूत्र कौन सा लगेगा, मैं सूत्र बता देता हूँ, A plus B ब्रैकेट में A minus B वाला सूत्र लगेगा, तो क्या होता है इसका हल, A का वर्ग minus B का वर्ग, ये फॉर्मूला लगाओ, जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये आर का स्केयर हो जाएगा माइनस ए स्केयर कोस स्केयर थीटा, यहाँ आने के बाद हमारा ये समीकरण हो जाएगा गुणा करके, लेकिन यहाँ से कंडीशन है कि हमारा पी बिंदु द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से जो दूर है वो दूरी है आर, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ए, और दोनों आवेशों के मध्य अल्प दूरी होती है, अल्प दूरी होगी तो इसका मतलब R का मान A से बड़ा है,
और जब दोनों तरफ वर्ग करोगे, बड़ी संख्या का वर्ग बड़ा और छोटी संख्या का वर्ग छोटा। इसका मतलब हुआ कि यदि हमारा r बड़ा है a से और वर्ग करोगे तो r का स्केयर बहुत बड़ा हो जाएगा a स्केयर, यानी a स्केयर इसकी तुलना में नगण्य हो जाएगी, और नगण्य हो जाएगी तो हम दूसरे भाग को छोड़कर चल सकते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारा जब बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी तो मैंने लिख रखा आर स्केयर की तुलना में ए स्केयर कोस स्केयर थीटा को नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। जब इसको नगण्य मान के छोड़ेंगे तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, आर वन इंटू आर टू बराबर है आर स्केयर, ये लिखा जाएगा। अब हम समीकरण एक में मान रख सकते हैं। समीकरण एक क्या था याद करो, समीकरण एक था वी बराबर है के क्यू ब्रैकेट में आर वन माइनस आर टू बटे हुए आर वन इंटू आर टू। तो R1 माइनस R2 का और R2 का मान रख देते हैं। जब मान रखेंगे R1 माइनस R2 का मान कितना आया, 2A cos थीटा, और R1 इंटू R2 का मान कितना आया, R स्केयर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखने के बाद ये Q इंटू 2A एक नई भौतिक राशि है जिसको हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। P क्या होता था, किसी एक आवेश का परिमाण इंटू आवेशों के मध्य दूरी का गुणनफल। तो Q इंटू टू ए का मान क्या है, P। तो यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रखते ही हमारा विभव का मान क्या बन जाएगा, V बराबर है के पी कोस थीटा अपॉन आर स्केयर, यानी V व्युत्क्रमानुपाति है आर स्केयर के। यहाँ हमारा एक अच्छी बात है, मैंने नीचे मेंशन की हुई है, ये नोट कर ले कि जब एक आवेश हो तो उससे जब किसी बिंदु पर विभव निकालोगे तो वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन द्विध्रुव के लिए निकालोगे तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी V व्युत्क्रमानुपाती R कब, जब आवेश एक हो, और V व्युत्क्रमानुपाती R स्केयर कब, जब द्विध्रुव हो, द्विध्रुव हो। ये आप याद करेंगे। अब हम कुछ विशेष स्थिति की बात कर सकते हैं। ये चित्र देख लीजिए, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, ये हमारा पी बिंदु था थीटा कोण पे। अगर पी बिंदु हमारा अक्षीय स्थिति में आ जाए, अक्षीय स्थिति क्या होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा होती है, ये अक्षीय स्थिति, और निरक्षकीय कौन सी होती है, जो अक्षीय के लंबवत हो। अगर हमारा ये पी बिंदु अक्षीय स्थिति में आ जाए, यहाँ आ जाए पी, तो क्या होगा, इधर आएगा तो थीटा का मान कम होगा, और जब इसके समानांतर आ जाएगा तो थीटा का मान शून्य, यानी जब अक्षीय स्थिति होगी तो थीटा का मान शून्य हो जाएगा, और जब बिंदु P निरक्ष में चला जाए तो थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा, 90 डिग्री तक। यानी ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि थीटा बराबर जीरो है तो इसका मतलब बिंदु P आपके द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश है, यानी उसको अक्षीय स्थिति कहेंगे, और जब थीटा का मान जीरो हो तो कोस जीरो क्या होता है, एक। तो विभव का मान क्या बन जाएगा, V बराबर है के क्यू पी कोस का मान एक बटे हुए आर स्केयर, और हम इसको कह सकते हैं V बराबर है के पी अपॉन आर स्केयर। ये हमारा अक्षीय स्थिति में है, ये बात ध्यान रखना। निरक्षकीय में निकाल लो, निरक्षकीय में थीटा कितना है, 90, और कोस 90 का मान क्या होता है, जीरो। तो V निरक्ष में क्या हो जाएगा, V निरक्ष बराबर है जीरो, यानी निरक्षकीय स्थिति में विभव का मान शून्य और अक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या हो जाएगा, के पी अपॉन आर स्केयर। एक बात और नोट करनी है कि द्विध्रुव के कारण विभव का मान केवल दूरी पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि यह थीटा के मान पर भी निर्भर करता है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आप इसको दो बार पढ़ें कम से कम, एक बार समझ नहीं आए तो दूसरी बार देखें, दूसरी बार नहीं आए तो तीसरी बार देखें। आपको मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि आप जब इसको कॉपी पेन लेके लिखेंगे, कॉपी पेन लेके इन टर्म्स को सोल्व करेंगे तो ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हमने जो चैप्टर 3 के विभव के जो टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिकों के न्यूमेरिकल के ऊपर चर्चा करेंगे। इसलिए आप इस बात को दिमाग में सेट कर लें कि भौतिक विज्ञान थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों का मिश्रण है, इसलिए हम जिन टॉपिकों की थ्योरी का टॉपिक की चर्चा करेंगे उसके साथ साथ हम न्यूमेरिकल की भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।